हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं। यूनिट सेकंड के अंदर आज हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, तो श्रोडिंगर समीकरण जो है उसको हम यूनिट सेकंड के अंदर अपने श्रोडिंगर समीकरण जो अपना वेव फंक्शन है साई, ठीक है, इसके लिए एक इक्वेशन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और जो अपनी यूनिट फर्स्ट थी, यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने साई को यूज किया कि वेव फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह से हम किसी भी कण की गति का अवस्था को बताने के लिए साई को यूज करते हैं, और साई के ऊपर हमने जो ऑपरेटर्स वगैरह में पढ़े थे उसको हमने ऑपरेट करवाया था वेव फंक्शन के ऊपर। तो अपना जो फर्स्ट यूनिट थी उसके अंदर हमने साई का बारे में पढ़ा था। तो अब जो साई के लिए वेव फंक्शन के लिए जो इक्वेशन दी थी वो श्रोडिंगर ने दी थी। अपना यूनिट फर्स्ट का कुछ पार्ट जो है वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, तो आज हम सेकंड से शुरुआत करें, यूनिट सेकंड। तो श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, कण की जो गति का अवस्था होती है, कण की गति का अवस्था को बताने के लिए श्रोडिंगर ने एक्स वाई जेड और टी, हमारा जो साई था वेव फंक्शन, उसके लिए एक समीकरण दी थी, उसे हम क्या कहते हैं, श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो जो साई होता है एक्स वाई जेड टी, अपने पास में किस पर डिपेंड करेगा, एक्स वाई जेड और टी पर डिपेंड करेगा। तो इस वेव फंक्शन के लिए, तो इस वेव फंक्शन के लिए अपने पास में हमने क्या पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो भी पार्टिकल होगा, पार्टिकल अगर मोशन में है तो उनके साथ में एक सहचारी द्रव्य तरंग होगी। ठीक है, तो जो द्रव्य तरंग होगी उसके लिए हम क्या कर रहे थे कि उसकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है वो इस वेव फंक्शन के अंदर होती है, साई एक्स वाई इस साई के अंदर होती है। ठीक है, तो इस पार्टिकल के साथ में जो सहचारी द्रव्य तरंग होगी, जो मैटर वेव्स होंगी, उनके लिए हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा कि जो साई है अपना, ठीक है, तो इस साई के लिए कुछ कंडीशंस होंगी कि साई कैसा होना चाहिए। तो हमने जो वेव पैकेट्स पढ़े थे, तो वेव पैकेट्स के अंदर अपने पास में क्या होता है, वेव पैकेट्स में हमने पढ़ा था कि किसी भी कण के साथ में उसकी गति के साथ में जो तरंग सहचारी होगी वो एक तरंग समूह होगा। ठीक है, और उन तरंग समूह के लिए अपने पास में डेल्टा एक कंडीशन को फॉलो करेंगे, डेल्टा के इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, एच के डेल्टा के और एच के अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपने इसके लिए इक्वेशन आ जाएगी, एच के डेल्टा के डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच के। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू बन जाएगी एच के डेल्टा के डेल्टा पी और डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच के। और ये कंडीशन जो होगी वो किसके लिए हो जाएगी, अनिश्चितता सिद्धांत जो होता है उसके अनुसार जो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स संवेग में अनिश्चितता और ये किसमें स्थिति में अनिश्चितता, उनका जो गुणनफल है वो क्या हो जाएगा, एच के डेल्टा के एच के टी इक्वल हो जाएगा अपने पास में इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच के हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो रहा है कि जो वेव पैकेट है वो इस अनिश्चितता सिद्धांत का पालन कर रहा है, यानी डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, एच कट हो गया। अब जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगी कि अगर हम क्या करें, अब यहाँ पर स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता ये डेल्टा पी और डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि हम डेल्टा पी का मान, ठीक है, डेल्टा पी क्या है पास में एच कट डेल्टा के संवेग में अनिश्चितता को क्या ले लें, जीरो ले लें। ठीक है, अगर संवेग में अनिश्चितता जीरो हुई तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो यहाँ से इस तरीके की अगर हम इक्वेशन लिखें कि डेल्टा पी इक्वल टू जीरो है, संवेग में अनिश्चितता क्या है, जीरो है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, अनंत हो गया। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू अनंत हो गया, तो इसके लिए जो इक्वेशन होगी वो किसको शो कर रही है, एक प्रगामी तरंग समीकरण को। ठीक है, प्रगामी
कंडीशन अगर हुई तो यहाँ पर क्या होगा कि जो श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने किसी भी कण की गतिक अवस्था के संबंधित साई को लेकर के एक समीकरण दी थी जिसे हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। और अगर आप क्या मान रहे हैं कि जो संवेग में अनिश्चितता है कण के वो अगर जीरो है तो स्थिति में अनिश्चितता है वो अनंत हो जाएगी। तो ऐसी जो तरंग होगी वो एक प्रगामी हार्मोनिक तरंग होगी। तो इस तरंग के लिए इक्वेशंस क्या क्या हो सकती हैं? तो इसके लिए अपने पास में ये जो इक्वेशन ये साई है वो प्रोपोर्शनल टू हो सकता है कोस kx माइनस ओमेगा t के, साइन kx माइनस ओमेगा t के, ठीक है। ये अपने पास में क्या होंगी माइनस इनफिनिटी टू से प्लस इनफिनिटी तक जाती हुई तरंगे। तो यहां से अपने पास में इस तरीके की हो सकती है कि कोस वेव को साइन वेव को या e की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा t को, ठीक है। या अपने पास में क्या हो e की पावर माइनस का आयोटा kx माइनस ओमेगा t को। तो इस तरीके की अपनी क्या हो सकती है तरंगे हो सकती हैं जो इनको शो करें, यानी शाई का मान जो है वो हम इनकी फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इनमें से कुछ कंडीशंस थी साई के ऊपर वो सारे फॉलो होनी चाहिए, वही क्या लिखेंगे हम तरंग समीकरण लेके चलेंगे। तो यहां से अपने पास में जो इक्वेशंस आ रही हैं तो साई का मान जो है वो इनमें से कोई एक हो सकता है या इनके अध्यारोपण से मिलने वाली तरंग हो सकती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि साई जो है वो एक तो रैखिक होना चाहिए, साई का मान जो भी हम ले वो रैखिक होना चाहिए जिसकी वजह से क्या वो अध्यारोपण को ज्ञात किया जा सके। दूसरा अपने पास में क्या होगा कि जो श्रोडिंगर समीकरण अपने पास में आए उस श्रोडिंगर समीकरण के अंदर क्या होना चाहिए, कण की जो गतिक अवस्था से संबंधित चर है जैसे पी है, एनर्जी है, ये नहीं आनी चाहिए, सिर्फ क्या आना चाहिए एच कट, उसका आवेश, द्रव्यमान आदि आने चाहिए। तो जो इक्वेशन लिखी जाएगी उसके अंदर क्या होगा साई हमारा रैखिक होगा और उस इक्वेशन के अंदर इनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए, मोमेंटम एनर्जी इनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए, ओनली क्या होनी चाहिए एच कट और जो चार्ज है मास है सिर्फ इन्हीं के ऊपर क्या होनी चाहिए डिपेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की एक इक्वेशन की आवश्यकता थी। तो इसके लिए क्या लिया गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लिया गया जो अपनी अवकल समीकरण होती है कि डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू गामा स्क्वायर, पहले डेल टू साई अपॉन डेल टी टू और डेल साई बाय डेल एक्स इसको सॉल्व किया गया और फिर अपने पास में डेल साई अपॉन डेल टी गामा स्क्वायर डेल टू ये गामा, ठीक है, और डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू इसको सॉल्व किया गया। तो यहां से कुछ इनको कंपेयर किया गया और गामा का मान निकाला, फिर एक इक्वेशन निकाली श्रोडिंगर ने, उसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहां से हम साई के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा कि कण की गतिक अवस्था से संबंधित ठीक है कण की गतिक अवस्था से संबंधित तरंग फलन साइन एक्स वाई जेड टी के लिए श्रोडिंगर ने एक समीकरण प्रस्तावित की ठीक है, श्रोडिंगर ने एक समीकरण प्रस्तावित की उसे क्या कहते हैं, उसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो श्रोडिंगर ने कण की जो गतिक अवस्था
उससे संबंधित एक जो तरंग फलन होगा हमारा, उसके लिए एक समीकरण को प्रस्तावित किया और उसे क्या कहते हैं, श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता क्या थी। ठीक है, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी का मान शून्य होगा। ठीक है, तो संवेग में अनिश्चितता क्या होगी, शून्य होगी, तथा स्थिति में अनिश्चितता अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी तरंग होगी उसको प्रगामी हार्मोनिक तरंग के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो साइन का स्वरूप होगा वो निम्न प्रकार का हो जाएगा, अतः साइन प्रोपोर्शनल टू कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और ई की पावर या एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी और एक्सपोनेंशियल माइनस का आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा पी। ठीक है, इनसे हम व्यक्त कर सकते हैं कि जो हमारी तरंग होगी वो इनमें से कोई हो सकती है या इनका अध्यारोपण हो सकता है। तो यहां से साइन के ऊपर कुछ कंडीशंस थी, उनसे क्या होगा, श्रोडिंगर समीकरण को लिखेंगे। यहां तक लिखें, निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो श्रोडिंगर समीकरण है हमने जब एरेंफेस्ट थ्योरम पढ़ी थी तब यूज किया था इसे। ठीक
कि माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू साई प्लस का बी साई इक्वल टू आयटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी। ठीक है, तो इसको हमने पहले यूज किया था, आज हम इसे डिराइव करेंगे और जो श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है उसको कम्प्लीटली पढ़ेंगे और साथ में जो साई और वेव फंक्शन होता है इसके ऊपर क्या क्या कंडीशन होती है और ये किन किन कंडीशन को फॉलो करता है ये सारा कुछ इस यूनिट के अंदर में आएगा। ठीक है, आपकी यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक था, लास्ट टॉपिक जो हम सेकंड पार्ट कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट जो था उसको हमने नहीं किया था, सेकंड पार्ट हमने ऑपरेटर्स का किया था। ठीक है, इसी के साथ में डिराक नोटेशंस का है, तो जब हम साई को पढ़ लेंगे उसके बाद में हम एक लास्ट टॉपिक है डिराक नोटेशन या ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है, ऑपरेटर्स के साथ में लास्ट टॉपिक दे रखा है, एक ब्रैकेट नोटेशन का और एक गॉसियन वेव पैकेट के बारे में दे रखा है। तो हम साई के ऊपर और साई की कंडीशन से उनको पढ़ के फिर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, द्रव की सहचारी द्रव्य तरंग समीकरण में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो क्या हो जाएगा कि यह रैखिक होनी चाहिए, जिससे तरंगों के अध्यारोपण से इसे प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो एक तो ये रैखिक होनी चाहिए, जो तरंगों के अध्यारोपण से इसे क्या कर सके, इसे प्राप्त किया जा सके, और दूसरा जो है गति से संबंधित, ठीक है, कण की गति से संबंधित चर p तथा e आदि का आदि पर तरंग समीकरण के गुणांकों की, ठीक है, तरंग समीकरण के गुणांकों की
निर्भरता नहीं होनी चाहिए, केवल एचकट आवेश Q तथा द्रव्यमान M आदि पर ही निर्भरता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा कि कण की गति से संबंधित जो चर हैं उन पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए, आवेश द्रव्यमान आदि इन पर निर्भरता होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ये जो अपने पास में गति से संबंधित जो चर हैं उनमें भिन्नता नहीं आए। ठीक है, तो अब इसके लिए इस श्रोडिंगर समीकरण को सोल्व करने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए एक अवकल समीकरण लेते हैं और उस अवकल समीकरण का मान निकालते हैं कि किस तरह से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। जो हमने साई को लिया था, साई के हमने वैल्यूज ली थी अलग अलग कि कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी हो सकता है, और साइन के लिए लिया था और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ली थी, तो उनमें से हम सबको एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ये अपने पास में हो गया कि माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो डेल टू साई बाय डेल टी टू। ठीक है, अब हम निकालें डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, तो डेल साई बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल साई बाय डेल एक्स अपने पास में आ जाएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और साथ में आ जाएगा के, और डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू अपने पास में आ गया कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी के स्क्वायर, तो इसके साथ में आ जाएगा माइनस के स्क्वायर कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो जो हमने डेल टू साई अपॉन डेल टी टू इक्वल टू गामा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू जो तरंग समीकरण हम लेके चल रहे थे उसमें मान रखें, तो इसमें मान रखने पर अपने पास में इक्वेशन
माइनस का ओमेगा स्क्वायर कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वल टू माइनस का के स्क्वायर कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा कि जो गामा हम लेके चल रहे हैं ये तो अपना साई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में ये हो जाएगा गामा का मान, तो गामा इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें एच क्यूब स्क्वायर से, तो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर और एच कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऊपर जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया एच कट स्क्वायर से, तो ई इक्वल टू क्या होता है एच कट ओमेगा और पी इक्वल टू क्या होता है एच कट के। तो यहां से अपने पास में बन जाएगा पी अपॉन ई। ठीक है, और अपने पास में जो गामा की डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में डेल टू साई अपॉन डेल टी टू वाला जो पार्ट है, ठीक है, गामा किसके साथ में है डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर हो जाएगा। तो पी और ई पर अपनी गामा की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए थी, जो हम कंडीशन लिखे थे अपने साई के लिए उसके अंदर क्या था कि गामा की जो डिपेंडेंसी है वो किस पे पी और ई पर नहीं होनी चाहिए अपने पास में। ओनली क्या है कि ये आवेश पर डिपेंड कर सकता है, ठीक है, और उसपे मास पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, मास पे और आवेश पे इन पर डिपेंड कर सकता है, इसकी डिपेंडेंसी जो है वो पी और ई पर नहीं होनी चाहिए जो कि गति से संबंधित चर हैं। तो हमारे जो इक्वेशन हम लेके चल रहे थे कि डेल टू साई अपॉन डेल टी टू इक्वल टू गामा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, ये जो है वो एक सही मान नहीं हो सकता। ठीक है, यानी जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में नहीं हो सकती कि हम टाइम का जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो डबल टाइम में, ठीक है, और जो हमने पोजीशन का लिया है वो भी हमने डबल टाइम लिया है डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू। ठीक है, बाकी इक्वेशंस के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये वाली जो अपने पास में वैल्यू आई है जो हमने कोस साइन एक्सपोनेंशियल ये सब लिखा है, तो इसके अंदर जो गामा आएगा उसकी डिपेंडेंसी क्या होगी क्योंकि के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएंगे। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों आने पर क्या हो जाएगा इसको हम पी और ई में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर